हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। राम राम सभी भाइयों को, कैसे हो आप लोग। तो भाई इस हफ्ते मैं सोचा था मैं कि एक भी छुट्टी नहीं मारूंगा। चलो मंडे को तो मैंने लगा लिया था शोल्डर की वर्कआउट, बट मंगलवार को तो भाई बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं लगी। ऐसे जाने का मूड तो हो रहा था बट थका हुआ था कल, तो जा नहीं पाया। 4 घंटे की यार पूरी गाड़ी चली थी। तो खैर कोई नहीं, चलो आ जाओ, आज चलते हैं, अब बढ़िया वर्कआउट लगाते हैं। हालांकि कोई नहीं यार, गेनिंग चल रही तो नींद ज़्यादा आती है, तो जितना हो सके मैं नींद ही पूरा करता हूँ, क्योंकि वीक में दो दो बार चलते हैं। सारे मसल्स, सारे बॉडी पार्ट दो दो बार लगती है, तो वही बाइसेप ट्राइसेप्स का तो इतना लोड है नहीं, तो वह स्किप कर देता हूँ एक बार। खैर चलो आ जाओ। गुरु जी वो रक्षाबंधन था ना, रुक गयो मजा, बस में आ जाओ तुम, मजा आ रहा। सोमवार को लगा लिया था मैंने, फिर क्या करेगा, चेस्ट लगा लेते। तो आज भाई मीटर खींच देते हैं, चेस्ट की वर्कआउट है। वर्कआउट सारी सेम रहने वाली है, वेट हैवी लाइट रेपुटेशन। उसी फ्लैट बेंच पे आजो भाई, नेक्स्ट वर्कआउट है भाई डंबल प्रेस फ्लैट बेंच पे। नीचे वाले ये वाले और क्या। हाँ सो नेक्स्ट वर्कआउट केबल क्रॉस। रोड के साथ ये बॉडी गुरु जी, मतलब कटिंग तो बहुत बहुत कम होगी पहले से। आज भाई नेक्स्ट वर्कआउट भाई अपना लगा रहे हैं हम इंक्लाइन बेंच प्रेस। वर्कआउट तो सारी वही रहती है, बस आगे पीछे पीछे आगे करके लगाया जाता है, और इसके पीछे भी राज ही है भाई जो हर किसी को नहीं पता कि क्यों आगे पीछे करते हैं वर्कआउट। हाँ ये वाला गाना गुरु जी, ये वाला अभी तो फाइबर ये तो मुश्किल ही बंद हो गया। मतलब लगा ले बॉडी के अंदर इतनी, मैंने ना गुरु जी पूरा जोर लगा रखा है, मतलब प्रोटीन बिल्कुल कम कर दिया हूँ, कार्ब्स इतना बढ़ा रखा, रोटी ओट्स दो दो टाइम दबा दबा के भर भर गए, चावल भी कम कर रखे मैंने। मैं तुझे बता रहा हूँ ना, जब तक ये नसें बंद रही होगी ना, इसका मतलब बॉडी के अंदर बहुत कैपेबिलिटी बढ़ने की, बहुत बड़ी हो सकती है। अच्छा, और भी बड़ी हो सकती है, समझ गए। खा रहा हूँ तो मतलब एक बैठ जाता हूँ खाएं तो 8-8 रोटी कब खा जाता हूँ पता नहीं। वाह मिक्स करके ना, वाह मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा रहा हूँ ना। हाँ, पूरा उसमें सारा ही मिक्स हो। नेक्स्ट वर्कआउट अपना बटरफ्लाई है, शायद हो सकता है आखिरी वर्कआउट हो चेस्ट की, मॉर्निंग की आज इवनिंग में भी वर्कआउट चलेगा भाई, दोनों टाइम चल रहे हैं। पंप तो बढ़िया आ रहा है, साइज भी सही आ रहा है, अपने पास 10-30-40 दिन पूरा पड़ा है गेनिंग का। और लगाना पार्टी बस
तो भाई आखिरी वर्कआउट है बार डिप्स, रिजल्ट तो देख के दिल खुश हो रहा है। अब टाइम लगता है यार बॉडी बनाने में, ये थोड़ा है कि कह दिया बोल दिया और हो गया। ये तो आज भाई सलाद के नाम पे खीरा ही है बस, सब्जी सिर्फ रोटी नहीं 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 ठीक है, चिकन दे इधर मेरा खाओ मत बनाओ बढ़िया, ये मेरे घर का रूल है। तो चलो भाई अब तो चावल खाता ही नहीं, खैर गुरुजी कह रहे कि चलो बढ़िया आ रहा रिजल्ट, ठीक आ रहा पहले से तो बढ़िया है, तो अभी और खींच के लेते हैं जितना हो सके कार्ब्स लोड करना है, बस कार्ब्स पे ध्यान है सारा, प्रोटीन कम, चलो इसको फिनिश किया जाए। चलो दोस्तों जिम में चला जाओ भाई, अब कोशिश यही करनी है कि जिम स्किप ना हो तो बढ़िया। देखो वैसे तो ज़्यादातर गेनिंग में एक टाइम ही वर्कआउट करने का फ़ायदा बेनिफिट है, लेकिन भाई पता है टाइम टाइम की बात चलती है, अब गुरुजी जैसा बोल रहे हैं उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, मैं अपना आप दिमाग नहीं लगाता, मेरी आदत है कि मैं किसी का ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं उनकी पूरी सुनता हूँ, सामने से जो बता रहे हो, अब उनको यार एक्सपीरियंस है, इतने सारे एथलीट तैयार कर रखे, मैं तो अभी मेरा तो स्टार्टअप ही है, तो जैसे बोलते गुरुजी सेम वही प्रोसेस फॉलो करता हूँ। तो आ जाओ चलो, मॉर्निंग में तो शोल्डर की वर्कआउट लगाया था, अब इवनिंग में देखते हैं, नहीं मॉर्निंग में चेस्ट लगाया था, इवनिंग में देखते हैं कि क्या लगाना है। और भैया जॉइंट रह गया, और गुरु गाड़ी घुसा दे खड्डे में, पहिया घूमे जा रहा फिर। तो चलो भाई वर्कआउट शुरू किया जा, चिनअप्स बैक लगाएंगे और शोल्डर लगाएंगे। सीधी बात, तो आज भाई पहला वर्कआउट लेट पुल डाउन, बड़ी वर्ड से इतना बैंड रहे, उसका बैंड टू हमारी इतना बैंड रहे, अगर इस पे नहीं लगा तो बैंच में ना ना बैंच ऐसे लगा रहा हूँ, आप देख लो एक बार, चलो आगे आगे जा आगे जा, अब ला बस, हाँ ये आगे जा, हाँ आगे रहा बैठ रहा, हाँ ये ये सर ये आई बहुत ज़्यादा है पूरी इधर से कवर हुई, दो वर्कआउट हुए हो गए चार, अभी फ्रंट ही लगा के आया ना रोड से पीछे का, शोल्डर ही लगाएंगे गुरु जी लास्ट है, इसके बाद शोल्डर ही मारेंगे इसके बाद, कौन सा इसमें कौन सा, तो जो भाई बैक के आखिरी वर्कआउट है अपना रोइंग सीटर रोइंग रोड के साथ, सही वाला फेस पुल। तो भाई मसाज लेने का फ़ायदा तो मिला है, ऐसा लग रहा है अब भरा भरा सा शरीर,
तो बैक की वर्कआउट हुई कंप्लीट, शोल्डर की लगा रहा हूँ। और ये शोल्डर मेरा तीसरा सेट है, जो कि पहला मतलब पहले ये वर्कआउट है साइड रेज, और इसका तीसरा सेट है मेरा। तो आज वो फटाफट फिनिश करते हैं, शोल्डर ही हैवी करनी है यार, एक बार शोल्डर हैवी हो जाना, वेट बस 90+ हो जाए, मज़ा आ जाएगा, चैम्पियन तो बन ही जाएंगे फिर। बाकी हो ही नहीं रहा यार, इंक्रीज ही नहीं हो रहा वेट। मैं तो एक बार करवाई थी, जाते 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 वहाँ से साल लग गए। अच्छा नहीं, बाल बढ़ते गए, कटवाता गया, अंदर से काले आते गए, ऊपर से कटता गया, धीरे 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 पूरा साल से ऊपर लग गए जाने में। बॉडी चेंज होगी जब जाकर बाल खत्म हुई है, अभी तक फोटो पड़े गए। भाई दोबारा आपसे जो जरूर ठीक है भाई, चल भाई बाय, सुबह मिलते हैं। भेजी थी एक रील, हाँ वो वाली डालू उसको। अच्छा दोस्तों, अपना डिनर फिनिश किया था भाई, दाल चावल और ये आलू का है मसाला। तो भाई दोनों मियाँ बीवी लगे हुए हैं साथ में खाने बैठे हैं, अभी छोटा सा मूवी थोड़ा देर एंजॉय करते हैं 10-15 मिनट, क्योंकि इतना ही टाइम मिलता है। चलो फिनिश किया जाए, बिल्कुल सेम टू सेम घर की तरह ही है डाउट यहाँ भी। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं यार, पता क्या है, जहाँ से रह के तैयारी करो ना, तो वहाँ से डाइट बड़ा ईजी हो जाता है कम्प्लीट करना, और जैसे कहीं बाहर जाओ टूर वगैरह उसमें तो डाइट बिगड़ी जाती है। और चक्कर क्या है ना कि मैं जैसे गेम की तैयारी करूँ, वैसे नॉर्मली अगर ऑफ हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे कोई गेम का टारगेट वगैरह ना होता है फिर तो कहीं भी रहो कुछ भी करो बॉडी एक जगह होल्ड हो जाती है। बट अभी गेन करके इंक्रीज करना तो अभी प्रॉपर डाइट लेना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी करके लो। खैर कोई नहीं, इतना तो हर किसी को पता ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो का।